तो आज के इस वीडियो में मैं आपके साथ आम पन्ना की रेसिपी शेयर करने जा रही हूँ, जिसे बनाना बहुत ही ज़्यादा आसान है और इसका टेस्ट बहुत ही ज़्यादा यमी लगता है। और समर में इसे पीना ना आपके लिए बहुत ही ज़्यादा हेल्दी रहेगा। तो अगर अभी तक आपने इस रेसिपी को ट्राई नहीं किया है तो आप एक बार ज़रूर ट्राई करें। आई एम श्योर एक बार आप ट्राई करेंगे ना तो आपको आपकी पूरी फैमिली सभी को पसंद आएगी और आप बार बार ट्राई करना पसंद करेंगे। आम पन्ना बनाने के लिए सबसे पहले मैंने यहाँ पे ये दो मीडियम साइज़ के आम लिए हुए, ये कच्चे आम है। और इसके अलावा मैंने यहाँ पर ना ये फ्रेश पुदीना के पत्ते लिए हुए, जिसे मैंने धो करके साफ़ कर लिया। तो सबसे पहला स्टेप हमें क्या करना है ना, यहाँ पर सबसे पहले आम लेंगे और इसे ना कुछ इस तरीके से छील करके और इसके ऊपर का जो कवर है ना उसे हम निकाल लेंगे। तो कुछ इस तरीके से ये देखिए, मैंने आम के ऊपर के जो कवर थे ना उसे मैंने निकाल लिया। अब नेक्स्ट हम क्या करेंगे ना, हमारा ये जो आम है ना उसे हमें इस तरीके से कट कर लेना है। ऊपर का जो आम है उसे हम निकाल लेंगे और बीच की जो गुठली है ना उसे हमें साइड कर देना है। तो सारे आम को ना इस तरीके से निकाल लूँगी। फ्रेंड्स ये देखिए कुछ इस तरीके से मैंने सभी आम को कट कर लिया, ये दोनों आम की गुठलियाँ इसे मैं साइड कर देती हूँ। अब हम क्या करेंगे, इसे बॉयल करने के लिए डालेंगे। तो यहाँ पर मैं कुछ इस तरीके से एक बर्तन ले रही हूँ और इसमें अभी जो हमने आम को कट किया वो सारा मैंने ऐड कर दिया। इसके बाद हम इसमें पानी ऐड करेंगे, इतना पानी ऐड कर देंगे कि आम उसमें अच्छे से डूब जाए। और इसके बाद हम गैस का फ्लेम ऑन कर देंगे और ये जो आम है ना उसे हम तब तक पकाएंगे जब तक आम बिल्कुल अच्छे से पकना चाहिए। ध्यान रखिए आप इसे बिल्कुल अच्छे से पकाएं, हाथों में ना बिल्कुल अच्छे से मैश हो जाए जब तक इसे ना, तब तक अच्छे से पकाना है। तो बस इसे ढक देंगे और फ्लेम लो टू मीडियम ही रखेंगे और इसे ढक करके बिल्कुल अच्छे से पका लेंगे। तो कुछ इस तरीके से ये देखिए फ्रेंड्स, जो हमारा आम है ना वो पक चुका है। आप चाहें तो इसे एक बार चेक कर सकती हैं हाथों में लेकर के, अच्छे से ये पका है या नहीं पका है। तो बस गैस का फ्लेम ऑफ करके ना मैंने इसे हल्का सा ठंडा कर लिया और अब इसे अच्छे से ना मैश कर लेंगे। ये बहुत ही अच्छे से पक चुका है फ्रेंड, तो ये आराम से ना हो जाएगा। वैसे ये इंपॉर्टेंट नहीं क्योंकि बाद में ना हम इसको ग्राइंड करेंगे। तो कुछ इस तरीके से मैंने हल्का सा ना इसे मैश कर लिया। तो अब नेक्स्ट प्रोसेस में हम चलते हैं, जिसके लिए मैंने यहाँ पर वापस से एक बर्तन लिया है जिसमें मैंने ऐड कर दिया चीनी। यहाँ पे मैंने 200 ग्राम के लगभग मैंने चीनी ऐड कर दी। इसके बाद हम इसमें डाल देंगे पानी। फ्रेंड ध्यान रखिए जितना हम चीनी लेंगे उतना ही हम इसमें पानी भी ऐड करेंगे, दोनों क्वांटिटी बिल्कुल इक्वल होनी चाहिए। तो अब मैंने गैस का फ्लेम ऑन कर दिया है और अब हम इसे लो टू मीडियम फ्लेम पे ना आराम से पकने देंगे जब तक शुगर अच्छे से मेल्ट ना हो जाए। तब तक के लिए हम अपना दूसरा प्रोसेस स्टार्ट कर लेते हैं, जिसके लिए मैंने यहाँ पर एक जार लिया हुआ है और इसमें हम ऐड कर देंगे आम का पल्प जो हमने लिया हुआ था ना वो हम इसमें ऐड कर देंगे। इसके साथ ही हम इसमें ऐड कर देंगे ये पुदीना के पत्ते जिसे हमने धो करके साफ़ करके लिया हुआ है, उसे भी डाल करके हम इसे अच्छे से ना पेस्ट बना करके रेडी कर लेंगे। तो फ्रेंड्स कुछ इस तरीके से ये देखिए मैंने इसका पेस्ट बना कर ना रेडी कर लिया, बिल्कुल परफेक्ट इसका पेस्ट ना बन के रेडी है। तो ये हमारा रेडी है। तो हम अपनी इधर शुगर सिरप पर भी ध्यान दे देते हैं जिसे हमने मेल्ट होने के लिए रखा हुआ था। आप देख सकते हैं इसमें बहुत ही अच्छी सी बॉइल आ रहा है। तो बिल्कुल इसी टाइम पे हम क्या करेंगे, अभी जो हमने आम का और पुदीना का पेस्ट बनाया ना वो हम इसमें डाल देंगे। सारा मैंने इसमें डाल दिया और उसके बाद अब हम इसे अच्छे से मिक्स करके पकाएंगे। अब हम इसे साथ में ना फ्रेंड्स तब तक पका लेंगे लो टू मीडियम फ्लेम पे जब तक अच्छे से ना ये हल्की सी चिपचिपी सी ना होने लगे। तो बस इसे तब तक हमें अच्छे से पकाना है। तो बस मैं इसे पकने देती हूँ, बीच बीच में हल्का सा इसे चलाती भी रहेंगे। तो फ्रेंड्स मैंने ना इसे थोड़ी देर के लिए पका लिया है। इस टाइम पे मैं इसमें थोड़े से मसाले ऐड कर दूँगी। एक छोटी चम्मच मैंने काला नमक ऐड किया, दो छोटी चम्मच मैं इसमें भुना हुआ जीरा का पाउडर ऐड किया है, बहुत ही अच्छा लगता है इसमें। साथ ही मैं एक छोटी चम्मच यहाँ पे काली मिर्च का पाउडर ऐड कर रही हूँ। बस इन सभी चीज़ों को बिल्कुल अच्छे से ना इसे मिला देंगे। साथ में थोड़ा सा ये नॉर्मल नमक भी ऐड कर रही हूँ, आधी छोटी चम्मच ऐड कर रही हूँ, ज़्यादा नहीं ऐड कर रही हूँ। तो बस अब हम इसे वापस से ना अच्छे से पका लेंगे तब तक जब तक ये हल्की सी चिपचिपी ना होने लगे। तो फ्रेंड्स मैं ना इसे अब हल्का सा चेक करती हूँ, मैंने इसे थोड़ी के और पका लिया। ये देखिए हल्का हल्का तार फॉर्म हो रहा है, बिल्कुल बन नहीं रहा है, हल्का हल्का फॉर्म हो रहा है, यानी कि बिल्कुल परफेक्ट टाइम है। ओवर कुक हमें बिल्कुल भी नहीं करना है। बस गैस का फ्लेम ऑफ करके ना मैंने इसे हल्का सा ठंडा कर लिया। अब हम फटाफट से ना इसे छान लेंगे ताकि बीच में अगर कुछ हो ना आम का या फिर जीरा वगैरह का तो फिर वो ऊपर ही रह जाए, नीचे ना जाए। तो मैंने एक बर्तन के ऊपर छन्नी रख के ना और सारा आम पन्ना उसमें डाल देंगे और उसके बाद इसे चम्मच की मदद से अच्छे से चलाते हुए छान लेंगे। तो ये देखिए फ्रेंड्स ऊपर में कुछ इस तरीके से हमारा बच गया। फ्रेंड्स ये वेस्ट नहीं हुआ है, आप चाहे तो इसमें वापस से थोड़ा सा पानी ऐड करके चीनी ऐड करके वापस इसे बॉइल करके ना इस्तेमाल कर सकते हैं। तो इसे हम साइड कर देते हैं। आइए देखें परफेक्ट हमारा ये जो आम पन्ना है ना बिल्कुल तैयार है। तो हम इसे फटाफट से कर लेंगे सर। तो यहाँ पे मैं दो ग्लासेस ले रही हूँ और इसके बाद ये जो हमारा पन्ना है ना आम पन्ना वो हम इसमें डाल देंगे। यहाँ पे आप अपनी चॉइस के अनुसार ऐड कर सकते हैं, आप ज़्यादा खट्टा पसंद करते हैं या फिर आप कम खट्टा पसंद करते हैं वैसे आप उसमें डाल दें आम पन्ना। मैं ज़्यादा पसंद नहीं करती इसलिए मैं 2 से 3 चम्मच इसमें ऐड कर रही हूँ। इसके बाद हम इसमें ऐड कर देंगे ठंडा ठंडा पानी। तो यहाँ पर मैं इसमें पानी ऐड कर दे रही हूँ।
और उसके बाद इसके ऊपर हम ये पुदीना के पत्ते रख देंगे, इस बहुत ही अच्छा लुक आएगा। तो बस फाइनली ये हमारा बनके रेडी हो चुका है, थोड़े से आइस क्यूब्स भी ऐड कर दे रही हूँ। तो ये हमारा परफेक्ट आम पन्ना बनके रेडी हो चुका है फ्रेंड्स, ये बहुत ही ज़्यादा यमी लगता है। और फ्रेंड्स आप ना इस आम पन्ना को 15 दिन के लिए फ्रिज में रख के आराम से स्टोर करके रख सकते हैं, और जब भी आपका पीने का मन करे आप पन्ना को निकालिए, उसमें ठंडा पानी मिलाइए और उसके बाद उसे इंजॉय करिए। आई होप आपको ये रेसिपी और वीडियो दोनों पसंद आई होगी। अगर आपको ये रेसिपी पसंद आई तो वीडियो को प्लीज़ लाइक करें फ्रेंड, और अपने सभी रिलेटिव के साथ शेयर भी ज़रूर करें। और जाने से पहले अगर अभी तक हमारी चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज़ 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 हमारी चैनल को सब्सक्राइब भी ज़रूर करें। तो मिलती हूँ ऐसी ही किसी दूसरी मज़ेदार और यमी रेसिपी के साथ, तब तक के लिए बाय बाय, टेक केयर, थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।